सो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि साड़ी की जो कीमत होती है उसको खरीदने से नहीं बल्कि उसको सही तरीके से ड्रेप करके पहनने से होती है, है ना। अगर आपने हेवी से हेवी साड़ी खरीद लिया है लेकिन उसको ढंग से पहना ना हो तो उसकी कीमत क्या होती है, घट जाती है। तो इसीलिए आज मैं आपको गाइड करूँगी एवर ग्रीन कांजीवरम सिल्क की साड़ी को पहनने का तरीका। तो साड़ी जो है वो फुल जड़ी वर्क वाली है, कांजीवरम सिल्क की है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अगर आपको पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस साड़ी के साथ मैंने मैच किया है मरून ब्लाउज़ और साथ ही मरून शेप वियर। मैंने कहाँ से लिया है इसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब साड़ी की ब्लाउज़ को आप अपनी लेफ्ट साइड पे रखते हुए साड़ी की दूसरी एंड आप अपनी ले आइए सामने की तरफ। अब हम यहाँ से साड़ी को ड्रेप करना शुरू करेंगे। राइट की साइड पे आपको कुछ इस तरीके से साड़ी की एंड को रखना है और इनको अपनी दो उंगली की हेल्प से अंदर की तरफ टक करना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहे ना उसको आप अच्छी तरीके से अंदर की तरफ टक कीजिए। कोशिश कीजिए कि ये जो जड़ी वर्क वाली बॉर्डर है वो ज़्यादा फुली हुई ना दिखे। तो अगर आप बिगनर हो तो साड़ी को दो दो पॉइंट्स पे इस तरीके से टक कर दीजिए अंदर की तरफ और फिर जो बीच में जो बचती है साड़ी की फैब्रिक उसको आप बाद में टक कीजिए ताकि साड़ी कहीं से भी ना मुड़े। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं सिर्फ अपनी दो ही फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ इसको इन करने के लिए। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या मैंने इसमें से अपनी ब्लाउज़ पीस को डिटैच नहीं किया है तो आप बिल्कुल राइट हो, मैंने डिटैच नहीं किया है जिसकी वजह से इस साड़ी की लेंथ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपको आ जाना है अपनी पल्लू वाली साइड पे। ठीक है, मान लेते हैं आप बिगनर हो, आपको प्लेट्स बनानी नहीं आती, आप नहीं बना सकते प्लेट्स, ठीक है। तो आपको मैं एक आसान सा तरीका सिखाती हूँ। पहले तो आप अपनी राइट और लेफ्ट दोनों हैंड पे इस तरीके से पकड़ लीजिए पल्लू को और जो भी साइड आपका राइट हैंड पे आ रहा है उसको आप अपनी बेली पे इस तरीके से रख लीजिए। अब अपनी दो उंगलियों को फैलाते हुए बस अपने लेफ्ट हैंड पे जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको आप ज़िगज़ैग करते हुए फंसाते हुए चलिए और नीचे की तरफ आपकी प्लेट्स बनती हुई चलेंगी। यहाँ पे जो लास्ट में आपकी प्लेट बनेगी वो आपको बस ध्यान रखना है कि और सब प्लेट की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रहे ताकि ये किनारों से बाहर की तरफ ना दिखे। ये देखिए पीछे की साइड से। और क्योंकि अब हमारी प्लेट्स यहाँ पे गैदर हो चुकी है तो अब हमें इनको आगे की तरफ भी इनकी लेंथ को ऐसे ही बढ़ाते हुए इनको इन्हीं सिक्वेंस में पकड़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मैं डिस्टेंस लूँगी और अच्छी तरीके से इनको पकड़ते हुए चलूँगी। अब अगर आप क्लचर यूज़ करते हो तो आप इसको अपनी क्लचर को एज अ होल्डर इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आगे के प्लेट्स को हम जब अरेंज करें तो उसमें हम अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकें। तो बस आपको यहाँ पे प्लेट्स बनाते चलना है और इनको अपनी क्लचर में ऐड करते चलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मल्टीपल्स क्लचर यूज़ नहीं करूँगी, जो भी सिंगल मैंने क्लचर यूज़ किया है उसी में ही इसको मैं ऐड करती हूँ चलूँगी। तो ऐसे तो होल्डर के लिए मैंने आपको बताया था जो क्लोथिंग पैक्स होते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, बट कई लोगों का उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये तरीका सुझाया है। अब यहाँ पे एक बार आपकी प्लेट्स जब बन जाती हैं तो क्लचर रिमूव कर दीजिए और अब आपको आयरनिंग नहीं करनी है। अब हालांकि प्लेट्स तो हमें बैठाना होगा ही लेकिन आयरन से नहीं बल्कि हम इसको अपनी दोनों हाथों से ही बैठाएंगे। कैसे? तो प्लेट्स को आप मोड़ लीजिए और बस जितनी भी ताकत है जितना भी गुस्सा है वो आप इस प्लेट्स के ऊपर निकाल दीजिए इसको एकदम अच्छी तरीके से प्रेस करके। अब क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको घुमाया नहीं था पीछे की साइड से तो बस इसको पीछे की तरफ से घुमाते हुए हम सामने की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, बॉर्डर्स का आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। बेसिक राउंड लगाते टाइम जो बॉर्डर नीचे की तरफ थी वही हमारे सामने की तरफ शोल्डर प्लेट्स में भी नीचे की तरफ ही रहेगी। ओके, यहाँ पे आपने
एक्स शेप में अभी अभी जो साड़ी पिन देखा है, वो साड़ी पिन आपके फैब्रिक के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। कैसे फ्रेंडली है? क्योंकि इसमें आपकी जो फैब्रिक होती है उसमें कोई छेद नहीं होता और ना ही आपकी ब्लाउज़ में होता है, जिसकी वजह से आपकी ब्लाउज़ और साड़ी दोनों ही सेफ हो रहती हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि ब्लाउज़ पे पहले तो आपको लेंथ देखना है कि पीछे की तरफ पल्लू लेंथ कितनी होगी। ऐसे अगर आपकी साड़ी इस तरीके की है, कांजीवरम सिल्क की है, तो लॉन्ग पल्लू ही रखिए, काफ़ी अट्रैक्टिव होती है लॉन्ग पल्लू। और बस अपनी ब्लाउज़ और अपनी पल्लू को, दोनों को अटैच करते हुए आप इस पिन को इसमें फंसा लीजिए और बस हो गया। अब यहाँ पे जो प्लेट्स हैं, इन सभी प्लेट्स को हम एक समान डिस्टेंस में फैला देंगे। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और साथ ही जो बॉर्डर है, नेक के पास वाली बॉर्डर, वो भी ज़्यादा चढ़ी हुई ना दिखे, इसका भी आप ख्याल रखिए। अब यहाँ पे देखिए मैं पिन कैसे लगाती हूँ। बस लास्ट वाली बॉर्डर को उठाते हुए मैं ये पिन ऊपर की तरफ से ही लगाऊंगी। ये पिन लगाते हुए ना थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आपको ना चुभे, जैसे कि मुझे चुभी थी। और अब इस बॉर्डर को हमें घुमा देना है। घुमाने से पहले देखिए यहाँ पे जो भी प्लेट्स जिस तरफ जा रही हैं, उन सभी प्लेट्स को पहले तो आप सेट कर लीजिए, पहले ही कर लीजिए। मैं तो आपको बोलूँगी कि बाद में ज़्यादा कुछ करने का झंझट ना रहे। और आप देख रहे हो कि सामने की जो मेरी पोर्शन है ना, वो ज़्यादा फैली हुई भी नहीं दिख रही है। तो अगर आपका बॉडी पार्ट इस तरीके का है कि आपकी जो शोल्डर्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही चौड़ी हैं, तो आप ये वाला तरीका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जो मैंने अभी पिन लगाया है जहाँ पे, आप वो वाली पिनिंग कभी भी स्किप ना करें। अब हमें इनको पीछे की साइड से घुमाकर कमर के पास लेकर आना है। अब आप देखते होगे ना सीरियल्स में या फिर मूवीज़ में, कई लोगों की जो कमर वाली पोर्शन होती है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और यहाँ पे भी प्लेट्स बने होते हैं बिल्कुल वाटरफॉल प्लेट्स की तरह। तो ठीक है, हम भी बनाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि बॉर्डर्स को इस तरीके से रखते हुए नीचे की साइड से हम थोड़े थोड़े से फैब्रिक उठाएंगे। आप यहाँ पे ये देखिए वीडियोज़ में ना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ड्रेप करते हुए आ रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मुझे कितने फैब्रिक कहाँ पे लेना है। लेकिन आप जब बिगनर होते हो तो आपको ये चीज़ नहीं पता होता, तो इसीलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ अपने वॉइस के थ्रू। तो इसीलिए वीडियोस के साथ साथ मेरी बातों को भी आप ज़रूर सुने। यहाँ पे क्या करना है कि थोड़े थोड़े से प्लेट्स आपको उठाने हैं, और बिल्कुल ना जैसे कि एकदम छोटे छोटे से प्लेट्स उठाने हैं, वही बाद में जाकर आपके कमर के पास जाकर वो फैल जाएंगी, क्योंकि कमर के पास से एक शेप भी आना होता है। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पर बनाएंगे ना छोटे छोटे से प्लेट्स, तो वो आगे की तरफ जाकर फैल जाती हैं। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े से प्लेट्स उठाना है, ताकि नीचे की तरफ से भी साड़ी की लेंथ कम ना पड़े। और अब एक बार जब ये सेटल हो जाती हैं, अच्छे से पकड़ में आ जाती हैं सभी प्लेट्स, तो आप कोई सी भी बड़ी वाली साड़ी पिन ले लें, और उस पिन में आप एक मोती डाल दीजिए, और उस पिन को सुई की तरह चलाते हुए आप लॉक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी प्लेट्स ऐसी नहीं होगी कि हाँ बनकर वो ख़राब हो गई हो। इसीलिए हर एक पिन को लॉक करना ज़रूरी होता है। और अब पिन को लॉक करने के लिए हम दो सेफ्टी पिन तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, वरना फिर जगह जगह पे साड़ी में होल्स हो जाएंगी, तो इसलिए आप एक ही बड़ी पिन का इस्तेमाल कीजिए। अब हम बनाते हैं अपनी सेंटर प्लेट्स। सेंटर प्लेट्स बनाने के लिए मैं अपनी राइट हैंड को देखिए किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। मेरी तीन उंगलियाँ पीछे की तरफ हैं और दो उंगलियाँ आगे की तरफ हैं। सेंटर प्लेट्स बनाने के लिए मैंने राइट साइड के पोर्शन को ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि एंड में मुझे कुछ आपको और भी बताना है, जो कि आप बिगनर्स से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। जब आपकी प्लेट्स एंड होने वाली होती है, मीन्स यहाँ पे आपकी फैब्रिक जब ख़त्म होने वाली होती है, तो थोड़ी सी फैब्रिक ना आप अपनी लेफ्ट की साइड पर छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी फैब्रिक को आपको अंदर की तरफ पुश करके छोड़ना होता है,
ताकि जहाँ पे हमने पिन लगाया है ना वो हिस्सा ज़्यादा ना खींचे। अब देखिए हमारे प्लेट्स कितने अच्छे से सिक्योर हो गए हैं। हालांकि ये जो प्लेट्स बने हैं ना ऊपर से नीचे तक, उसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगी, बल्कि ये मेरी साड़ी की फैब्रिक का कमाल है। ये कांजीवरम सिल्क ऐसी ही आती है कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और काफ़ी आपको रिच लुक भी देती है। अब जब आपकी सेंटर प्लेट्स बन जाती हैं तो अपनी सेंटर प्लेट्स की लेंथ अपनी बेसिक राउंड से मैच करते हुए आपको इनके प्लेट्स को लेफ्ट की साइड से ठीक नेवल के पास रखते हुए हर एक प्लेट्स के बीच में एक समान गैप्स रखनी है। और अब ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है प्लेट्स की लेंथ नीचे की तरफ मुड़ी हुई, इनको हमें अंदर की तरफ टक करना है। तो अंदर की तरफ ये ताकि अच्छी तरीके से चली जाए और ज़्यादा हमारा पेट वाला पार्ट फूला हुआ भी ना दिखे, उसके लिए हमें इनको अच्छी तरीके से अंदर की तरफ पुश करना है। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि ये जो सामने वाली प्लेट्स हैं इनको ऐसे हमें उल्टा करना है और पीछे की साइड पे हमें लगाना है एक पिन। ठीक है, मैंने एक चीज़ नहीं बताया, जब भी आप प्लेट्स को अंदर की तरफ टक करोगे तो सांस आपको अंदर की तरफ लेनी है और रोक कर रखनी है, और इसी तरीके से पिन भी लगाते वक्त आप सांस अंदर की तरफ लोगे और अपने सांस को रोक कर रखोगे। अब आप कोई सी भी वेस्ट चेन यूज़ कर लीजिए, कांजीवरम सिल्क की साड़ी में आप वेस्ट चेन ही यूज़ कीजिए, बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी। और बस लास्ट में आप अपने प्लेट्स को सेट कर लीजिए। देखा, मैंने यहाँ पे किसी का भी हेल्प नहीं लिया है, खुद से ही मैंने ड्रेप किया है और ये हो गई मेरी फाइनल लुक। तो ऐसे आप अपनी कोई सी भी जो सस्ती साड़ी भी है आप उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ा सकते हो अच्छे से ड्रेप करके। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर।